हे हाय फ्रेंड्स, मैं गीतिका धेड़े एंड वेलकम टू माय चैनल गीत की दुनिया। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग के आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप भी तो आपने देखा होगा कि मौसी का बर्थडे हो गया है 25 को, और आज है अब है 19 दिसंबर को बंटी की शादी, मेरे कज़न भाई की शादी। तो मोस्टली प्रिपरेशन वहाँ की चालू है, सब घर वाले यहाँ, कोई कुछ शॉपिंग करना, कुछ इधर जाना, कोई इधर जाना, कुछ सबका कुछ ना कुछ चालू है। तो आज जाने वाले हैं हम लोग बंटी की शादी के लिए, बस्ता पैकिंग के लिए। तो मैंने बोला चलो आप लोगों को भी मैं ले ही चलूँ कि शादी का बस्ता कैसे पैक करते हैं। तो मैंने बोला चलो आप लोग को भी दिखा दूँ। तो चलो चलते हैं और शादी का बस्ता पैक करते हैं। अर्णव अभी इसे रेडी किया है, टीवी देख रहा है। मैंने उसे बोला है कि बंटी मामा का बस्ता पैक करने जाना, तो उसे बस्ता समझता नहीं है। तो मैंने उसे बोला साड़ियाँ लेने जाना, तब जाके उसे समझा है। तो अभी हम जा रहे हैं साड़ी लेने के लिए। और उसको एक टी शर्ट भी लेना है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। बस वहाँ पे बस्ता में साड़ियों का ही सामान मिलता है, तो हम मे भी शायद वहाँ पे आगे पीछे मिलेगा तो हम जरूर लेंगे। अभी हम जाते हैं, नहीं तो बड़ी माँ का कॉल आ जाएगा। ऑलरेडी सब चले गए हैं, मैं और अर्णव बच्चे। तो पहले हम जाएंगे नानी के इधर और फिर वहाँ से हम जाएंगे बस्ता पैक करने, है ना ना? चलो चलो चलो, और पत्थर जैसे लुक। पापा नहीं आ रहे, चलो दिखाई तक भी नहीं आ रहे। ऐसे में इसके आसपास अर्णव, ए अर्णव, यहाँ बस्ता बांध रहे हो और आप क्या कर रहे हो? अरे मेरे बाल अर्णव, कौन है बच्चा? यंत्रवांड रुकन जब सटा। दस हो गई। ये आपने खोल के ही नहीं दिखाया ना भैया? नहीं खोलते ही है। रात के दो बस्ता पर सब करे। अर्णव, आपको भाई मारा नहीं? अर्णव मारा मारी कट्टो है। मुझे लेके दो ना। क्या लेके दू मेरी माँ? मेरी माँ टेडी बेयर। मैं हूँ ना आपके पास, टेडी बेयर समझ के मुझे खेल लो। चलो टेडी बेयर समझ के मुझे खेल लेना माँ। अले मेरी माँ, अले मेरी शोनी, अले मेरी माँ। अरे नो बच्चा लेके दो। पापा आ रहे। हाय, आप भी आए? बोलो अर्णव। चार फोटो का कैसी है?
फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 10:30। और कल देखा आप लोगों ने, सब कुछ बस्ता बांधने गए थे क्योंकि बेंटी की शादी है, तो उसके बस्ता और उसकी शादी के प्रिपरेशन चालू है। तो अभी हम अभी मॉर्निंग हो रही है और अर्णव के विंटर वेकेशन लग रहे हैं यहाँ से, तो उसकी क्रिसमस पार्टी अंदर चल रही है, तो हम जाके देखते हैं कि अर्णव की क्रिसमस पार्टी कैसे चल रही है। तो आज से उसको छुट्टी लगेगी और सर दर्द आराम नहीं मिलेगा क्योंकि सुबह से एक महीने का उसको विंटर हॉलीडे रहता है, तो उसके अभी विंटर हॉलीडे चालू हो जाएंगे, तो अभी बहुत परेशानी होने वाली है, अर्णव बहुत परेशान करने वाला है। तो अभी हम अंदर जाएंगे और देखेंगे अर्णव की ऑनलाइन क्रिसमस पार्टी कैसे चल रही है। चॉकलेट केक आप भी पी लो ना, थोड़ा सा, कोई नहीं देख रहा आपको, पी लो थोड़ा सा। स्टार्ट कैमरा है। हाँ तो कुछ नहीं होता, इधर मुंह करके पी लो। बच्ची से स्टार्ट कैमरा करके ही पिया। अर्णव के सामने रखा है खाना और अर्णव को ऐसा लग रहा है कि मैं कब खाऊं और कब नहीं खाऊं, है ना अर्णव? भूख लगी ना जोर से, ऐसे इडली चोर के खा रहे चलो मैं खा लेती हूँ, आप अच्छा है ये डोरिटोस वेफर्स। Jesus was born in a stable, not like us, how we are born in the hospital. So, Jesus was born in a stable. Chachi. हमें सब कुछ बोलो ना, गाना बोलो ना क्रिसमस का। सब कुछ क्यों कर रहे हो? नहीं खा रही, मैं टेस्ट कर रही हूँ, मैंने लाया ना, तो कैसा लग रहा है वो देख लिए, देखो। ये नहीं खाना, केवल थोड़ा सा खाऊं, मीठा रहता है, थोड़ा सा ले लो खट से। हां चॉकलेट नहीं, बस अभी नहीं खाने का, अभी कुछ नहीं, चोर के खाने का खाया ना बहुत मन। करो ना डांस, मैम दिख रही है। पूरा ध्यान खाने में, नाचो। मैम के सामने मैम को सुनाई भी नहीं आया होगा मैंने ऐसा बोला। अरे जल्दी जल्दी जाओ ना, आवाज दो, दो आवाज दो, मास्क निकाल के दो ना आवाज। चलो ऊपर ही जाएंगे, चलो 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 ना, हाँ ये भाई यहाँ पे कंघी कर रही है और पूरे बालों का कचरा नीचे डालती है, पूरी सोसाइटी गंदी करती, कंप्लेन करती तुम्हारे नाम पे। चल आ जाओ ऊपर, लेटेस्ट आईफोन ही है मेरे पास। नहीं वो नहीं, पूछो मम्मी से, मम्मी मेरा फोन लेटेस्ट है क्या? नहीं। यस मुझे वो डिजाइनर को भेजना था ना, तो उसको बना के भेज रही थी। कैसा लग रहा है? ऐसा मेरा घाघरा आएगा। तुम्हारा जरा प्रमोशन तो देखो तो मैं कैसे करता हूँ, जरा थोड़े दिन जाने दो, जरा अभी मेरा क्या है, थोड़ी डुबती है नहीं है। तो ये है तुम्हारा वो फालतू, तुम ये करते। तो ये है आज अर्णव, ये है अर्णव। ये है अर्णव, और अर्णव हम लोग सुबह बाहर गए हुए थे। अर्णव आज, हाँ अर्णव बीमार हो गया है, और ये एकदम गंदा सा भद्दा सा
आप ही लोग बताइए, ये गंदा सा भद्दा सा लग रहा है क्या? एकदम गंदा है ये। ये बंटी की शादी का ड्रेस है, बंटी की शादी का जो मुझे दिल्ली के डिजाइनर को बना के भेजना था। डिजाइनर ये नागपुर चाल से। अर्णव को हो गई है थोड़ी सी सर्दी, क्योंकि हम बाहर गए थे आज सुबह, आपने देखा था। तो हम घर पे आने के बाद अर्णव को हो गई है थोड़ी सी सर्दी, तो अर्णव दवाई पी के आज दिन भर से रेस्ट कर रहा था, अब रेस्ट करके हो गया है, तो अभी अर्णव को ठीक लग रहा है ना। और अर्णव बनाए आज हल्क, क्या बनाए अर्णव? हल्क पप्पी दे दी मैंने इसको, दिखाओ पप्पी, दिखाओ इधर इधर है। क्या खा रहे हो आप? डोरिटोस खा रहे हो? अर्णव का फेवरेट है डोरिटोस। और मैं यहाँ पे बना रही थी, स्केच कर रही थी, क्योंकि जो दिल्ली का डिजाइनर है उसको मुझे स्केच करके भेजना था, तो ये लोग बहुत परेशान कर रहे हैं और बीच बीच में बड़बड़ कर रहे हैं, तो मैं स्केचिंग कर रही हूँ। और ऑलमोस्ट मेरा स्केचिंग हो गया है। नागपुर चाल का डिजाइनर है इसका, ब्लाउज कोई दिल्ली विल्ली से नहीं है, इसके सारे ब्लाउज पीस शनि मंदिर के पीछे से सिलते हैं। 170 रुपए में ब्लाउज सिलाती है ये लड़की। सबको पता है 170 रुपए में कुछ नहीं सिलता है। सिलता है क्या? 170 रुपए में कुछ भी नहीं सिलता है ना, 170 रुपए में तो ब्लाउज का कपड़ा भी नहीं आता है। ये लड़की एक नंबर की झूठी है, 100-150 रुपए के अंदर सब सिलाती है। आप लोगों को बड़े बड़े सर, मेरा चैनल खराब, बड़े बड़े बात करती है और कुछ नहीं, कुछ नहीं है। दिल्ली भी मुझे दिल्ली भिजवाना है। ये अर्णव के स्कूल का प्रोजेक्ट है, ये अर्णव के स्कूल का प्रोजेक्ट है। अर्णव के स्कूल में ये बनाने लगा है। फेरी फेरी बनाने बोली थी इसने, घाघरे वाली फेरी। ये झूठ बोल रही है लड़की, घाघरे वाली फेरी नहीं। नागपुर चाल का उसका पैराडाइज ताज टेलर बबलू उसका टेलर है। अरे वो तो जेंट्स टेलर है, नाम भी तो सोच के बोलो ना, वो जेंट्स है जिसके पास नागपुर चाल बनाती है, करिश्मा है। बबलू की बीवी उसका सिलाती है सब। कुछ नहीं, झूठ बोल रहा है, करिश्मा नाम का ट्रेलर ही बोल रही हूँ, टेलर है जो मेरे ब्लाउज सिलता है जो नागपुर चाल का। लेकिन जो मेरे घाघरा है अभी बंटी की शादी का, वो दिल्ली से ऑर्डर किया और उसको ये भेजना है। सोचने की बात है, सोचने की बात तो ये है कि अगर मुझे, अगर मैं क्या बोलेगा तभी मैं इसको बोलने दूंगा, है तो नहीं मैं बेटा बोलने दू नहीं बोलने देने का उसने बोला। अगर यहाँ का टेलर रहता, नहीं टेलर वेलर नहीं, बबलू की बीवी इसके ब्लाउज सिलाती है। कौन बबलू? मैं बबलू को नहीं जानती, कौन है बबलू? ताज टेलर। कौन ताज? वो ताज वाला जेंट्स के कपड़े सिलता है, उसकी बीवी इसकी लेडीज के कपड़े सिलाती है। मैं यहाँ कपड़े डालती तो सीधी सी बात है मुझे स्केच करके देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मेरे बेटे का स्कूल का है, जाती और देख। ये मेरे बेटे के स्कूल की डिजाइन है। हाँ, तुम्हारे बेटे के स्कूल की डिजाइन में परी लग रही है, और वो भी घाघरे वाली परी लगने वाली है। ये घाघरे की डिजाइन है, मुझे दिल्ली को भेजना है अभी तुरंत। और आज नहीं, वैसे तो यहाँ पुणे में बहुत ज्यादा ठंडी चल रही है, तो मैं एकदम स्वेटर वेटर पहन के हूँ, स्केच कर रही थी, तो स्केच कंप्लीट हुआ है और मैं अभी इन्हें फोटो भेजती हूँ, ट्रांसफर करती हूँ मतलब व्हाट्सएप पे, तो वो सेम टू सेम ऐसा बनाने के लिए लेंगे। और कुछ नहीं, अब ये हो गया स्केच, अब खाना बनेगा। और अर्णव आज बीमार था, तो हम आने के बाद से अर्णव वो मेडिसिन लेके रेस्ट कर रहा था, मैं भी रेस्ट कर रही थी, तो अब अर्णव करेगा आराम, अभी बैठा हुआ है वो टीवी। हेलो बोलो, आपकी तबीयत खराब है बेबी? हाँ। कैसा लग रहा है अब? दिन भर ये घूमता रहता है ठंडी हवाओं में, रात भर घूमता है, और अभी सुबह हुई है सर्दी, तो जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें कल बाहर भी जाना है खाना खाने, क्योंकि बंटी की शादी के पहले वो खाना खाने बुलाते हैं, तो वहाँ पे जाने वाला है। कल नहीं है, कल 12 तारीख है, कल 12 तारीख है। मैं जाती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ फटाफट। क्यों? अगर आप तो उसके काकू के बर्थडे, उसका फेवरेट काका है ना राज का। तो यहाँ अभी बन रही है मेरी फिश, और फिश देख के यार मेरा फेवरेट है फिश, तो अभी फिश बन रही है, फिर हम लोग खाएंगे खाना। अर्णव देख रहा है टीवी, फिश फ्राई हो ही है, इसके बाद हम खाएंगे खाना। अभी अर्णव आपने खाया मोमोज? खा लिए? टीवी देख रहे हो? मिथ पैट खाना खाएंगे, खाना खाएंगे। अर्णव को आ नहीं रही है नींद, और अभी बज रहे हैं रात के 1। अर्णव को सुलाने की कोशिश जा रही है, लेकिन अर्णव सो नहीं रहा है। बोलो क्या बोल रहे थे? एमपी कहाँ है? नहीं है ना एमपी? नहीं, एमपी मध्य प्रदेश, पूना, महाराष्ट्र।
एयरपोर्ट के अंदर ही है ना लेकिन। बंटी के केड़वन मतलब खाना खाने आए हैं शुपांता होटल में। और ये रुको बंटी खाली है कौन सा वाला लेना है? क्या क्या डबरा लेना है ना? टंग टंग बजने वाला लेना है ना? जीतू आज सुबह आ गए उसके हाथ। हाँ बीस बीस तो अभी हम घर पे आ गए हैं। दोपहर में खाना खा लिया था हमने और अभी हम घर पे आ गए हैं। मतलब एक दो घंटा पहले आ गए थे तो रेस्ट कर रहे थे। खाना खा के बहुत आलसी आ गई थी। वहाँ सुकांता की बहुत बड़ी थाली थी, खाना बहुत टेस्टी था। तो आज है राज का बर्थडे तो आज दिन भर से हम बाहर ही खाना खा रहे हैं। तो अभी हम वहाँ पर भी जाने वाले हैं खाना खाने के लिए, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसे यहीं पर एंड करूँगी। तो जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और घंटी बजाना ना भूले। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ऐसे ही अपने प्यार बनाते रहिए मेरे चैनल पे। जल्दी ही मिलती हूँ मैं नए वीडियो के साथ। तब तक के बने रहिए गीत के चैनल पर, गीत की दुनिया पर, और ऐसे ही अपना प्यार बांटते रहिए मेरे चैनल के साथ। बाय। बचा के बताओ क्या लिया आपने? डबरा। चलो जाना ना आपको राज काका के बर्थडे पे। नहीं मुझे भी नहीं पता ऐसे बजाते पहले है, ऐसे ही मिलता था सब बजाने का। पेट दिख रहा है अर्नब का, पेट दिख रहा है अर्नब का।